हमारी सीरीज फाइव ब्रेकआउट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग के इस 27 वीडियो के अंदर मैं विजय बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम यहां पे पांच स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिन्हें आप नेक्स्ट वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जहां जहां पे बाइंग का लेवल आएगा तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और देखिए, आज बात करूँ तो बहुत मेहनत लगी है स्टॉक ढूंढने के लिए, क्योंकि इस वीक देखा आपने मार्केट किस तरह कर रहा है और पूरा दिन हो गया मुझे यहाँ पर स्टॉक फिल्टर करते हुए, तब जाके मुझे कुछ स्टॉक मिले जिनमें से मैंने पाँच स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो भैया, इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले डिस्क्लेमर है, जिन स्टॉक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सिर्फ एक एजुकेशन के मकसद से है, खरीदारी बिकवाली करने की मेरी कोई राय नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर आप कर सकते हैं। आज के अपने जो पांच स्टॉक्स है उनमें से जो पहला स्टॉक है वो है ZFCV इंडिया। ये इसका NSE का कोड है, आप यहां पे देख सकते हो, और कंपनी का पूरा नाम है ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया लिमिटेड। स्टॉक का भाव थोड़ा ज़्यादा है, 15,505 रुपये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप सोच रहे होंगे भैया इतनी तो कैपिटल की समस्या आएगी। देखियो, अगर आपके पास में कैपिटल है तो बाई कर सकते हो, वरना आप अवॉइड कर सकते हो। आप अगर बाई करना है तो एक स्टॉक ले लीजिए, दो स्टॉक ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भैया आपकी कैपिटल के हिसाब से ये स्टॉक मैनेज नहीं हो रहा तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में कैपिटल है, क्योंकि इस गिरावट के मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऐसा है जो हमको 10-15% का रिटर्न यहाँ से दे सकता है, तो अगर आपके पास में कैपिटल है तो आप इस स्टॉक में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो स्टॉक का भाव तो हम देख चुके, अब हम चार्ट पर चलते हैं। अब देखें दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये मेरे पास में ZFCV इंडिया का ये एक डे चार्ट है, और डे चार्ट में देखेंगे ना तो स्टॉक जो है वो 14,000 रुपए के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद एक राउंडिंग टॉप बनाया और यहीं पे ही इसने सपोर्ट लिया है। और पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉटम चार्ट पैटर्न इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी क्या नज़र आ रही है, चार्ट के अंदर जो आपको ये येलो कलर की जोन नज़र आ रहा है, जोन नहीं एक लाइन नज़र आ रही है, ये अपने पास 200 EMA डे का, ठीक है। तो भैया 200 EMA के पास सपोर्ट और वहाँ पे बना है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। और जो नेकलाइन है, नेकलाइन जो अपना फ्राइडे का जो हाई था है ना, उसके आसपास यहाँ पे नेकलाइन है। तो फ्राइडे का हाई अगर हम लेके चले तो 5,644 रुपये का हाई है, तो यहीं पे नेकलाइन है, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर जब निकल जाएगा ZFCV इंडिया, तब आपको इस स्टॉक को बाई करना है। और यहाँ से 17,000 का हम पहला टारगेट लेके चलेंगे, और 17,000 के बाद जो सेकंड टारगेट आएगा वो 17,700 का आएगा, ठीक है जी, 17,700 का। तो इस तरह से देखें तो 2,000 रुपये का रिवार्ड आपको यहाँ पे प्रति शेयर ZFCV इंडिया के अंदर मिल सकता है। बाकी स्टॉप लॉस टारगेट बीच में हम लगातार टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 1H के चार्ट पे, तो 1H के चार्ट पे देखेंगे ना तो किस तरह से यहाँ पे लगातार स्टॉक एक कंसोलिडेशन हो रहा था। और एक मैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैं जो येलो कलर का जोन जो मैंने बनाया ना सेकंड वाला, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ब्रेकडाउन हुआ तो एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, और यहीं पे ही अपनी क्लोजिंग भाव दी है यहाँ पे फ्राइडे के दिन। और इस तरह से 1H के चार्ट पे देखेंगे तो डबल बॉटम तो है ये, साथ में आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न भी इसके अंदर कह सकते हैं। तो देखो, एंट्री कब लेनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलने के बाद ही एंट्री लेना, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम अगर बात करें तो देखिए, हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 15,000 रुपये का, 14,920 रुपये का, ठीक है जी, 14,920 रुपये का 1H के SL के साथ हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री करेंगे फ्राइडे के हाई के ऊपर। तो इस तरह से आज का पहला स्टॉक अपना ZFCV इंडिया है। आज का अपना जो सेकंड स्टॉक है वो है यहाँ पे रेडिको खेतान का, ठीक है जी। रेडिको खेतान के स्टॉक की भाव बात करेंगे तो 1590 रुपये क्लोजिंग भाव है यहाँ पे, और लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी हमको यहाँ पे रेडिको खेतान के स्टॉक के अंदर आती हुई नजर आई है। चलते चार्ट पे, क्या सा पैटर्न है जिसकी वजह से हमने इस स्टॉक को नेक्स्ट वीक के लिए सेलेक्ट किया है। ये अपने पास में रेडिको खेतान का एक डे चार्ट है, और इस डे चार्ट के अंदर बात करें तो 1475 रुपये का जो लेवल है ना, वो सपोर्ट व रेजिस्टेंस का काम कर रहा है रेडिको खेतान के लिए। देखें यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस था अपने पास में, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो अब यहाँ पे इस मार्केट की गिरावट में ये लेवल अपने पास में रिटेस्ट हो चुका है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन के आ चुका है। तो देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि 1475 रुपये के लेवल
रेडिको खेतान के अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाले हैं। और यहाँ पे आप डे चार्ट देख रहे हैं, और डे चार्ट के अंदर देखेंगे ना तो यहाँ पे इस गिरावट में भी स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है, और लगातार यहाँ पे ये अपने पास में बुलिश एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनती हुई नजर आई है सपोर्ट के पास में। और अगर मैं इसका 1H के चार्ट पे देखूंगा तो जिस तरह से अभी हमने ZCP इंडिया का चार्ट देखा था, ठीक उससे मिलता जुलता यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में एक जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन का भी लगभग यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए जा रहा है ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर भी एंट्री कब करनी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि गलत लेवल के ऊपर एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 1H के चार्ट पे चलते हैं और 1H के चार्ट को देखते हैं, ठीक है जी। ये अपने पास में रेडिको खेतान का 1H का चार्ट आ चुका है, और जो अपनी नेकलाइन थी 1580 रुपये की थी, मतलब 100 रुपये की एक बॉक्स पैटर्न है। ये अपना रेजिस्टेंस है 1580 का, सपोर्ट अपने पास 1475 रुपये का, ठीक है जी। इस तरह से 100 रुपये का बॉक्स यहाँ पे रेडिको खेतान का स्टॉक बना चुका है। अपना हाई क्या था इसके अंदर, 1600 रुपये का राउंड फिगर का हाई लेके चलेंगे। जब फ्राइडे का जो हाई है 1600 रुपये, जब उसके ऊपर रेडिको खेतान का स्टॉक निकल जाएगा तब आपको इस स्टॉक के अंदर बाई करना है। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो यहां से लगभग 100 रुपये ऊपर, देखिए ये 100 रुपये की रेंज थी अपने पास में, तो यहां से 100 रुपये ऊपर हम पहला टारगेट लेके चलेंगे। वो जब ब्रेक हो जाएगा तो 100 रुपये ऊपर हम सेकंड टारगेट लेके चलेंगे, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आज का जो अपना सेकंड स्टॉक है वो है रेडिको खेतान का। देखिए भैया, अगर बाइंग का लेवल नहीं आता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे बाइंग करने के लिए, तो वेट करना और ब्रेकआउट होने दीजिएगा, बाइंग का लेवल आने दीजिएगा तब बाई करना है। आज का अपना जो तीसरा स्टॉक है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10 से 12% का प्रॉफिट हमको इस जगह से हो सकता है, क्योंकि ये भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। और देखें तो 134 रुपये अपना फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है, और लगभग 3% की तेजी हमको देखने को मिली है। मैं देखिए यहाँ पे चार्ट से पहले आपको स्टॉक का नाम क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाद में शिकायत रहती है कि आप सीधा चार्ट दिखाते हो ना, तो वहाँ पे हमको समझ में नहीं आता कौन से स्टॉक का चार्ट है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए स्टॉक का नाम भाव के साथ दिखा देता हूँ, साथ में आपको यहाँ पे भी मैं स्टॉक का नाम लिख दूंगा, तो समझ जाना कि भैया जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो कौन से स्टॉक का है। अभी अपने पास में बैंक ऑफ इंडिया का डे चार्ट है, और इस डे चार्ट के अंदर देखेंगे ना तो बैंक ऑफ इंडिया पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न में काम कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर के रेंज की बात करता हूँ तो 148 रुपये का है, एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिरावट आई है, जो मैंने यहाँ पे येलो कलर के जोन से आपको दिखाया है। मैं अगर सपोर्ट की बात करता हूँ तो 125 रुपये यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, एक बार, दो बार और तीसरी बार यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया है। साथ में देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में हमको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से देखें तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ 125 रुपये का अपना स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। और जैसा यहाँ पे चार्ट है, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से 148 के लेवल हमको बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से दिखा सकता है। तो ज़्यादा रिस्क मुझे बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर नज़र नहीं आ रही है, और इसके अंदर भी सेम टू सेम फ्राइडे के हाई के ऊपर जब निकल जाएगा तब बाई करना, उससे पहले बाई बिल्कुल नहीं करना। 148 रुपये ये जो रेंज है ना, इस रेंज का 148 का हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। अगर आपको लगता है कि 148 का लेवल इस बार ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और नहीं तो 1H के चार्ट पे देखना, कोई बियरिश कैंडल बनती है तो प्रॉफिट बुक कर लेना। तो अब 1H के चार्ट पे दिखा के मैं आपको एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये है अपने पास में बैंक ऑफ इंडिया का 1H का चार्ट है, और पहले मैंने डे चार्ट दिखा रहा था आपको, अब 1H के चार्ट से देख सकते हो। तो यहाँ पे 1H के चार्ट पे हमको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको एक बार डबल बॉटम दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये अपने पास पहला बॉटम, ये सेकंड बॉटम, और लगभग 134 रुपये की ये नेक लाइन। तो पूरे चार्ट को देखोगे तो इस तरह से ये अपने पास में डब्लू पैटर्न इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और बाकी कितना स्ट्रॉन्ग 125 का सपोर्ट है मैं वो आपको दिखा चुका हूँ। तो इस तरह से आज का अपना जो तीसरा स्टॉक है वो बैंक ऑफ इंडिया का है। स्टॉप लॉस रखना है तो पहले तो 125 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है आपको, ठीक है। और जब 125 के स्टॉप लॉस के साथ में जब आप स्टॉक बाई करने बाद प्रॉफिट में आ जाओगे तो ये जहाँ पे अपनी नेक लाइन थी ना डबल बॉटम की, इसके हल्का सा नीचे हम फिर अपने SL को ट्रेल कर लेंगे। आज का अपना जो चौथा स्टॉक है वो है सामी होटल्स लिमिटेड का। अभी इसका IPO आया था, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग है नहीं है सामी होटल्स की, लेकिन चार्ट बहुत बढ़िया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। तो सबसे पहले हम भाव की बात करते हैं तो 212 रुपये फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है, और 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी सामी होटल्स के अंदर आई है। बाकी आप सभी को मालूम है कि इस समय होटल स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड के अंदर सामी होटल चल रहा है, इसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो चलते चार्ट पर देखते हैं सामी होटल का चार्ट कैसा है। तो ये अपने पास में सामी होटल का डे चार्ट है, और आप देख सकते हो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और लगातार यहाँ पे इस तरह से हायर हाई व हायर लो बना रहा है।
इससे क्लासिक एक अप ट्रेंड हम किसी को कह ही नहीं सकते। प्राइस एक्शन में हायर हाई व हायर लो बनाते हुए जा रहे हैं। अपना जो लास्ट लो है, हायर लो है, उसको देखिए, अभी तक भी इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है और लगातार ये हायर हाई यहाँ पे बनाता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से जब भी देखिए यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट होता है इस स्टॉक के अंदर, इसके अंदर देखिए तेजी देखने को मिलती है। और जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम टू सेम पैटर्न अपने पास में फिर बन चुका है। और अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँगा तो यहाँ पे जो बुलिश एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, एक तो जो ये सपोर्ट था ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। और आप इस रेड कलर वाली कैंडल को देखें, एक मिनट, यहाँ पे आप इस रेड कलर की सेकंड ग्रीन कलर की दोनों कैंडलों को देखें, तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इस रेड कलर की कैंडल को पूरा ढक लिया है बॉडी को। तो इस तरह से हो गई है बुलिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमको देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी पहले दिखाई थी, ठीक इस ट्रेंड लाइन के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे का हाई है 214 रुपये का, उसके ऊपर निकलने के बाद सामी होटल के अंदर निवेश कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। टारगेट जो अभी 240 रुपये का ये जो हाई था ना, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कुछ नहीं करना, रेड कैंडल के लो के नीचे का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो था डे चार्ट, मैं एक बार 1H के चार्ट पे और आपको ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में 1H का चार्ट आ चुका है और यहाँ पे देखें तो चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि इसके अंदर इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न सामी होटल के स्टॉक के अंदर 1H के चार्ट पे हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने इस वजह से सामी होटल को सेलेक्ट किया था। और 1H के चार्ट पे देखें ना, तो शॉर्ट टर्म में हमको ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला रहा था जो अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आज के अपने चार स्टॉक हो चुके हैं सामी होटल, और अब आज के हम अंतिम स्टॉक पर चलते हैं। आज का अपना अंतिम स्टॉक है जेगले प्रीपेड का। ये भी अभी ज़्यादा पुराना है नहीं है, इसकी भी अभी लिस्टिंग हुई थी। और देखें तो भाव की बात करते हैं तो 304 रुपये अपना फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है, और लगभग आधे परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी जेगले के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप NSE पे जेगले सर्च करोगे ना तो आपको ये स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा। चलते चार्ट पे देखें कैसा चार्ट था जिसकी वजह से हमने जेगले को सिलेक्ट किया है। अभी अपने पास में जेगले का डे चार्ट है और चार्ट को देखेंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है जी। इसमें भी इस तरह से हायर हाई हायर लो बनते हुए जा रहे हैं और मुझे लगता है इसी जगह से स्टॉक के अंदर बॉटम बनना चाहिए और यहाँ से इस तरह से स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था ना, इस जगह का रेजिस्टेंस, ये लगभग यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका है, हमको 1H के चार्ट पे नजर आएगा। साथ में अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूंगा ना तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस रेड कलर की कैंडल, अगली ये ग्रीन कलर की कैंडल, इन दोनों को देखें तो बुलिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इस वाली कैंडल को देखें सिर्फ एक कैंडल को, तो यहाँ पे एक स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिल रही है। और मुझे लगता नहीं है कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ से ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो ये तो था डे चार्ट, अब हम यहाँ पे 1H के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं जेगले का चार्ट कैसा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सपोर्ट व रेजिस्टेंस बना लेता हूँ जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक येलो कलर का जोन बना दिया है और इस येलो कलर के जोन को देखेंगे ना तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये अपने पास में कंसोलिडेशन हुआ, लगातार सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस के बाद में, और लास्ट टाइम पे देखो तो एक डोजी कैंडल बनी है और अब यहीं पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जिस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट जेगले के स्टॉक के अंदर होने के लिए जा रहा है। चलिए जी, देखो ये जो ट्रेंड लाइन थी ये लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रही है जेगले के लिए 1H के चार्ट पे, और इसको भी मैं आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये अपन को पहला पॉइंट मिल गया, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, पांचवा रेजिस्टेंस, और आखिरकार 1H के चार्ट पे जाके पांच रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे जाके पहली बार क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। एक चीज़ रखना, हमको बाइंग कब करना है। लास्ट अगर मैं हाई की बात करूँगा ना तो वो कैंडल है अपने पास में 310 रुपये की, ठीक है। 310 रुपये के जब ऊपर जेगले का स्टॉक निकल जाएगा ना तब आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। उससे पहले एंट्री नहीं करनी, स्टॉप लॉस सिर्फ 290 रुपये का रखना है, 290 का SL रहेगा। इसके अंदर टारगेट अच्छे खासे आ सकते हैं, ये वाले टारगेट आएंगे। और अगर मैं 1H के चार्ट पे बात करता हूँ तो यहाँ पे पूरा इस तरह से राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न इस स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। तो जेगले के स्टॉक के अंदर भी रिस्क हमारी कम है और रिवार्ड हमको ठीक ठाक मिल रहा है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि ब्रेकआउट टेस्ट हो चुका है तो ज्यादा गिरावट हमको इस स्टॉक के अंदर आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह से
इस वीडियो के अंदर हमने 5 स्टॉक के ऊपर बात करी है। मैं स्टॉक के नाम फिर लेना चाहूँगा, ZFCB इंडिया अपना पहला स्टॉक था, उसके बाद था रेडिको खेतान, बैंक ऑफ इंडिया, शामी होटल और यहाँ पे जैगले। इन पांचों में से आपका फेवरेट चार्ट कौन सा लगा वो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताना, और इन पांचों को भैया वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। मैंने आज पूरा दिन लगाया इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए मुझे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो भैया वीडियो को शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वह जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं।